तो कुछ SWP के बारे में बता रहा था। तो जैसे म्यूचुअल फंड्स में SIP होता है, इसका ठीक उल्टा SWP होता है, दैट इज सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। इसमें तो हर महीने म्यूचुअल फंड से एक फिक्स्ड अमाउंट विथड्रॉ करता रहता है, पर हर महीने विथड्रॉ कैसे करूंगा, उसके लिए पहले पैसा डालना भी तो पड़ेगा। सो द वे इट वर्क्स इज कि अभी तू अपनी नॉर्मल SIP करता रहे, राइट, पैसा इकट्ठा होता रहेगा, ये पैसा ग्रो भी होता रहेगा, कुछ सालों में तेरे पास एक ह्यूज कॉर्पस जमा हो जाएगा। फिर अगर तू जॉब छोड़ता है या रिटायर होता है तो तेरे पास बहुत सारा पैसा रहेगा, तो तू अब इस म्यूचुअल फंड में SWP स्टार्ट कर सकता है। यार इससे तो मेरा पैसा कभी ना कभी एग्जॉस्ट हो जाएगा। हाँ भी और ना भी, वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे तेरा कॉर्पस कितना बड़ा है, तेरे म्यूचुअल फंड का ग्रोथ रेट क्या है, और तू हर महीने कितना पैसा विथड्रॉ कर रहा है। भाई कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है ये सब। नहीं नहीं, सिंपली गूगल पर टाइप कर SWP कैलकुलेटर क्लियर टैक्स और जो पहला लिंक आए उस पर क्लिक कर। टोटल इन्वेस्टमेंट में सपोज तूने डाल दिया 2 करोड़, विथड्रॉल पर मंथ में तूने सपोज डाल दिया 1,50,000 और एक्सपेक्टेड रिटर्न तूने फिक्स कर दिया 12%, विच इज अ स्टैंडर्ड निफ्टी 50 रिटर्न। अब ये जो तेरा 10 ईयर वाला स्लाइडर है तो इससे खेल। तो यहां पर यू कैन सी दैट इवन आफ्टर 30 ईयर्स योर फाइनल वैल्यू विल बी 14,13,96,449 रुपीज। पर ये नॉर्मल SIP से ये 2 करोड़ रुपए इकट्ठे करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ जल्दी नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, वो अगली रील में पता चलेगा। फिनटैक्स पर निशान। हाँ हाँ, फॉलो कर रखा है, हर बार सस्पेंस में छोड़ता है।